नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन कांपेंगे भारत के इस आत्मघाती हथियार से, घर में घुसकर मचाएगा तबाही। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ताइवान को लेकर बढ़ा अमेरिकी चीन में तनाव, और इसी के साथ यूएस जनरल बोले हमें चीन के जहाज़ों को डुबोना होगा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की मीडिया उड़ा रही पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने शहबाज सरकार पर साधा निशाना। चौथी खबर में जिक्र होगा कि विदेशों में छिपे अपराधियों के लिए काल बना ऑपरेशन त्रिशूल, 33 को पकड़कर भारत लाई सीबीआई, रेडार पर 276। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि फूलों की बारिश, कर्नाटक पर बीजेपी की नजर, मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने किया कर्नाटक में बड़ा रोड शो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान चीन कांपेंगे भारत के इस आत्मघाती हथियार से, घर में घुसकर मचाएगा तबाही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में अपने नए प्रेसिशन अटैक लाइटरिंग म्यूनिशन यानी कि PALM-400 हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है, और ये एक लंबी दूरी का आत्मघाती ड्रोन है जिसे दुश्मन के इलाके में दूर से ही भेजकर तबाही मचाई जा सकती है, और एक तरह का रिमोटली पायलटेड व्हीकल है ये। साल भर से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध, या फिर 44 दिन चले अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग हो, दोनों ही जगहों पर इस आत्मघाती हथियार का इस्तेमाल धड़ल्ले से हुआ है। ये दूर से ही हमला करने में सक्षम होते हैं और इन्हें चलाने के लिए रिमोट का सहारा लेना होता है। ये हथियार दुश्मन के कैंप, बंकर, टैंक आदि को आसानी से उड़ा सकते हैं या फिर सैन्य टुकड़ी को तितर बितर कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ताइवान को लेकर बढ़ा अमेरिका चीन में तनाव, और इसी के साथ यूएस जनरल बोले कि हमें चीन के जहाज़ों को डुबोना होगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक टॉप जनरल ने सुझाव दिया है कि ताइवान के चारों तरफ चीन के घेराबंदी को तोड़ने के लिए हमें चीन के जहाज़ों को समुद्र में डुबाना होगा। बता दें कि यह सुझाव यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर जनरल कैनेथ विलबैक ने दिया है, और बुधवार को अमेरिका के कोलोराडो में एयर एंड स्पेस फोर्सेस एसोसिएशन वॉरफेयर के कार्यक्रम में विलबैक ने कहा कि हथियारबंद ड्रोन और B-21 रडार हथियारों की मदद से इस मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदुस्तान की मीडिया उड़ा रही है पाकिस्तान का मजाक, इमरान खान ने शहबाज सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं उन्होंने भारतीय मीडिया में हो रही पाकिस्तान की तंगहाली का भी जिक्र किया। पाकिस्तान की जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने जो वीडियो जारी किया है उसमें पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, पेट काटकर फौज को पाला लेकिन सब बेकार हो गया। PTI के अध्यक्ष इमरान खान जिलाए शाह के इसाले सवाब के लिए एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा नेताओं के पास पाकिस्तान और विदेशों में बड़ी संपत्ति है और उन्हें पाकिस्तान के लोगों की परवाह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, भारतीय TV चैनल पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और खुशी खुशी बता रहे हैं कि देश कैसा है, ये कैसा विनाश की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेशों में छिपे अपराधियों के लिए काल बना ऑपरेशन त्रिशूल, 33 को पकड़कर भारत लाई CBI और रेडार पर 276। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI ने विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च किया है। इसके तहत जांच एजेंसी अब तक 33 लोगों को प्रत्यर्पित कर चुकी है जो कि अलग अलग देशों में रह रहे थे। CBI के सीनियर अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत इस साल 6 क्रिमिनल्स को प्रत्यर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते CBI दूसरे देशों के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से संपर्क साधती है, जिसके आधार पर एक्शन लिया जाता है। वहीं दोस्तों, वांटेड मोहम्मद हनीफ मक्कत को सऊदी अरब से हाल ही में प्रत्यर्पित किया गया है। उसे रविवार को ही भारत वापस लाया गया, और 2006 में करीम नाम के व्यक्ति के अपहरण और हत्या मामले में मक्कत के खिलाफ रेड नोटिस जारी था। केरल में कोझिकोड के कुन्नमंगलम पुलिस स्टेशन में इसे लेकर केस दर्ज किया गया था, और इससे पहले इंटरपोल के रेड नोटिस से पता चलता था कि वांछित आरोपी सऊदी अरब में था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फूलों की बारिश, कर्नाटक पर बीजेपी की नज़र, मोदी मोदी के नारे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया मेगा रोड शो। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के मैसूर में 16,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया, और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या में करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो किया, और रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गाड़ी से बाहर आकर लोगों का अभिवादन किया।
मांड्या में प्रधानमंत्री की उपस्थिति राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि राज्य में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और मांड्या जिला पुराने मैसूर क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और ये पारंपरिक रूप से जनता दल सेक्युलर का गढ़ रहा है और जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक को छोड़कर सभी पर JDS का कब्जा है और BJP 2019 में हुए उपचुनावों के दौरान एक सीट जीतकर मांड्या जिले में पैठ बना सकी थी। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या जिले में एक सार्वजनिक रैली में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मैसूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर हैं और एक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरा ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। दोनों शहरों को तकनीक के माध्यम से जोड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहा कि लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे से ये दूरी केवल 1 घंटे में पूरी की जाएगी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में झमाझम बारिश, मुंबई में सीजन का सबसे गर्म दिन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के अनुसार एक ट्रफ पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा होते हुए दक्षिण मध्य महाराष्ट्र तक जा रही है और एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 13 मार्च को पश्चिमी हिमालय तक पहुंचेगा। अगले 24 घंटे के दौरान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश के आसार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हंदवाड़ा में आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश, पुलिस ने हथियार का जखीरा कर लिया बरामद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि हंदवाड़ा में हंगनीकूट इलाके के पुलिस ने रविवार को बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बताया कि सालनार हंगनीकूट में तलाशी अभियान चलाया गया और क्षेत्र की तलाशी के दौरान हथियारों और गोला बारूद का एक पुराना डंप मिला और इसमें एक AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 75 राउंड, 10 ग्रेनेड, 26 UBGL ग्रेनेड और 8 UBGL बूस्टर के साथ कई सारे ऐसे तत्व मिले हैं। दोस्तों, इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में 113 दिन बाद एक दिन में कोविड के 524 नए मामले सामने आए, केंद्र ने राज्यों को फिर से किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत में 113 दिनों बाद 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 524 नए मामले सामने आए हैं और उसके बाद केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया। नए मामले के बाद देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3618 हो गई है और केरल में एक शख्स की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को सुबह 8 बजे तक केरल में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,781 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ हो गई है और COVID-19 से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.80% दर्ज की गई है। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,56,083 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। दोस्तों, रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, कहा 2024 के पहले राहुल गांधी को हो चुका है हार का अंदेशा। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने पीपी पुल का किया उद्घाटन। जी हां दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची और इस दौरान दौरे के अंतिम दिन कई कार्यक्रम में शामिल होकर जगदीशपुर विधानसभा पिछूती गांव के रंगवा घाट पर गोमती नदी पर बने पीपे के पुल का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आज़ादी के बाद से इस इलाके में पुल नहीं बना, लेकिन अब यहां इस विधानसभा में 4-4 पीपे के पुल बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी रंगवा घाट का ये पुल पीपे का है, लेकिन जल्द ही इसे स्थायी पुल बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने पर होगी मोदी की सीधा की वार्ता, 20 मार्च को भारत आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की मार्च 2022 को नई दिल्ली यात्रा के दौरान PM नरेंद्र मोदी के साथ उनकी चीन छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत में संयंत्र लगाने के मुद्दे पर बात हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के बीच इस बारे में कई चरणों में बातचीत हुई और भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धी साझेदारी ने इसके भावी रोड मैप का एक प्रारूप भी तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए बैठेंगे तो उनकी तरफ से इस रोड मैप को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि इस रोड मैप के तहत जापान की बड़ी, मझोली, छोटी हर तरह की कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन भी मिलेगी और इसके लिए
आवश्यक श्रम की व्यवस्था भी भारत ही करेगा। किशिदा 20 मार्च को अपनी दूसरी भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। साथ ही जापान की अगुवाई में होने जा रही G7 बैठक में और भारत की अगुवाई में होने जा रही G20 बैठक को लेकर भी बातचीत होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि G7 दुनिया के आर्थिक तौर पर सबसे संपन्न 7 देशों का समूह की बैठक मई 2023 में जापान में होनी है और पीएम किशिदा इसके लिए मोदी को आमंत्रित करेंगे। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पर दुनिया को मनाना मुश्किल, हेकड़ी ढीली पड़ी तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को कहा दोस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर एक बड़ा सच कबूल लिया है। बिलावल ने ये बात कबूल ली है कि उनका देश कश्मीर मसले को UN में एक मुख्य मुद्दा बनाने और इस पर संगठन का ध्यान आकर्षित करने में नाकाम रहा है। बिलावल ने ये भी मान लिया है कि जहां उनके देश की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं तो कश्मीर पर भारत के सभी कूटनीतिक प्रयास UN में सफल हो रहे हैं। बिलावल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात स्वीकार की और बिलावल ने अपने बयान में भारत को पहली बार दोस्त करार दिया। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें कश्मीर मसले पर UN के एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ाने में और इस पर संगठन का ध्यान आकर्षित करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद बिलावल ने थोड़ा लड़खड़ाते हुए भारत का जिक्र किया और उसे दोस्त कहकर संबोधित किया। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में लॉकडाउन की तैयारी, कोविड के बाद अब इस बीमारी से मचा हाहाकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन एक बार फिर कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। चीन में कोविड-19 के मामलों में तो कमी आ रही है लेकिन फ्लू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से चीनी अधिकारी कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाना चाहते हैं। इस फैसले के बाद लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से कोविड के वक्त के जैसे हालात हो जाएंगे। चीनी शहर शियान में लॉकडाउन को लेकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि शहर में संक्रमित क्षेत्रों को बंद किया जा सकता है, ट्रैफिक को कम करने को लेकर भी आदेश जारी किया जाएगा और साथ ही उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों को निलंबित कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल, थिएटर, पुस्तकालय, पर्यटक स्थल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान भी बंद रहेंगे। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अनुसार सभी स्तरों पर स्कूलों और नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा। शियान की जनसंख्या लगभग 13 मिलियन है। ये शहर एक फेमस पर्यटन स्थल भी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डूब रहा है भारत का एक और पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान जितने खराब हो गए हैं इसके भी हालात। जी हां दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों के ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले श्रीलंका दिवालिया हुआ, फिर 2023 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के किसी भी दिन ढह जाने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब भारत का पूर्व पड़ोसी बांग्लादेश पर भी संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बांग्लादेश के बैंकों की रेटिंग घटा दी है जिसके चलते वहां के बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आ गया है। मूडीज ने बांग्लादेश के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दी है और इससे अब वहां के बैंकों को निवेश पाने में मुश्किल पेश आएगी। दोस्तों अर्थशास्त्रियों के अनुसार मूडीज का ये फैसला वहां के बैंकिंग सेक्टर के लिए जितनी बुरी खबर है उतनी बुरी खबर वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी है। बांग्लादेश मुद्रा की कीमत लगातार घट रही है, वहीं महंगाई चरम पर है। इसके अलावा देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में घुसपैठ करने वाले 4 बांग्लादेशियों को STF ने किया गिरफ्तार, बरामद हुए अवैध कागजात। जी दोस्तों, फर्जी कागजों के जरिए भारत में प्रवेश करने वाले 4 बांग्लादेशी लोगों को पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा है। पुलिस को यह भी पता चला है कि ये अन्य बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से प्रवेश दिलाने का काम करते हैं। चारों की गिरफ्तारी सॉल्ट लेक इलाके के सेक्टर 5 से की गई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने शनिवार सुबह PS इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स के पास उत्तर 24 PG में गोदरेज वाटर फ्रंट के सेक्टर 5 सॉल्ट लेक इलाके में बांग्लादेश से आए 4 अवैध प्रवासियों को पकड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की राह पर चले पाकिस्तान, नहीं तो हमेशा मांगनी पड़ेगी भीख, पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान दिवालिया होने से बस एक कदम दूर है और उसे लोन के लिए सऊदी अरब, चीन, IMF और अमेरिका से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। चीन जहां बहुत ऊंचे ब्याज दर पर लोन दे रहा है, वहीं IMF पाकिस्तान की बार बार भीख मांगने की आदत को देखते हुए कर्ज देने से पहले कड़ी शर्तें लाद रहा है। पाकिस्तान के बड़बोले वित्त मंत्री इशाक डार ने IMF से लोन नहीं मिलने के पीछे इमरान सरकार पर ठीकड़ा फोड़ दिया है और वहीं विशेषज्ञ पाकिस्तान को भविष्य में इस तरह के संकट से बचने के लिए अब अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक उसी तरह से रिस्ट्रक्चर करने
करने की सलाह दे रहे हैं, जैसे भारत ने 1990 के दशक में किया था। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, आपके राज्य में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मौसम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जहाँ कभी काफ़ी गर्मी होती है तो कई बार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। विभिन्न राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में अगले 2 दिनों तक बारिश और आंधी तूफान आ सकता है और इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी 12 मार्च की रात से 14 मार्च तक बारिश व आंधी तूफान की दस्तक हो सकती है। दक्षिण मध्य और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च के दौरान बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने पकड़ा ड्रोन, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया दिल्ली। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान राष्ट्रीय सीमा डेरा बाबा नानक के साथ लगती BSF की 89 बटालियन की BOP मेथला से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया है। वहीं दोस्तों भारतीय क्षेत्र में प्रवेश होने के बाद BSF द्वारा बरामद किए गए पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के अधिकारियों द्वारा फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार को सीमा से करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी पर गिरे न्यू ब्रांड पाकिस्तानी ड्रोन का भार 30 किलोग्राम, लंबाई 7 फीट, 4 बैटरियां 22,000 mAh समर्थ वाली बनी हुई हैं। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के वोटर्स के लिए घर से मतदान का दे दिया ऑप्शन। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पहली बार निर्वाचन आयोग 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये सुविधा देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम फॉर्म 12D के साथ ऐसे मतदाताओं के पास जाएंगी और उन्होंने कहा कि हालांकि हम 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और इस सुविधा का लाभ नहीं लेने वाले लोगों को मतदान केंद्र पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि इस संबंध में गोपनीयता बरती जाएगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन सक्षम शुरू किया गया है जिसमें वो लॉग इन कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा का चयन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा विकसित की गई है जो उम्मीदवारों के लिए नामांकन और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। और कुमार ने कहा कि उम्मीदवार बैठकों और रैलियों की अनुमति लेने के लिए सुविधा पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लाभ के लिए अपने उम्मीदवारों को जाने यानी कि KYC नामक एक अभियान भी शुरू किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। PM मोदी कर्नाटक में 16,000 करोड़ की परियोजना की देंगे स्वागत, सबसे खास हाईवे का भी होगा उद्घाटन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में 10 लेन के बेंगलुरु मैसूरु राजमार्ग का उद्घाटन करेंगे और राज्य में 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस साल राज्य की उनकी 6ठी यात्रा है। प्रधानमंत्री मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मोदी दोपहर में मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बयान के मुताबिक इसके बाद दोपहर करीब 3:15 बजे वो हुबली धारवाड़ में विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बयान में कहा गया है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास की तीव्र गति देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रमाण है। दोस्तों रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीनी दूतावास के सामने गरज पड़ा अमेरिकी सांसद, ड्रैगन को बता डाला खून का प्यासा, जासूसी गुब्बारे की चर्चा। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के सामने एक रैली के दौरान अमेरिकी सांसद माइक गैलघर जमकर बरसे और उन्होंने चीनी सरकार को खून का प्यासा और ताकत के लिए भूखा बताया। माइक गैलघर स्पेशल हाउस कमेटी के रिपब्लिक चेयरमैन है और ये रैली तिब्बती नेशनल अपराइजिंग डे के मौके पर आयोजित हुई थी और इस दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए गैलघर ने कहा कि आज़ादी और संस्कृति के लिए लड़ाई में आप लोगों ने जो साहस दिखाया है उसकी पहचान होनी चाहिए। गैलघर ने यह भी कहा है कि कोई भी ताइवान या किसी अन्य मुद्दे पर चीन के साथ युद्ध नहीं चाहता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
तो चीन पाकिस्तान को करारा जवाब देगा भारत, दुनिया भी मान रही है मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भी भाजपा चुनाव जीतती या किसी संकट से देश उभरता तो भाजपा समर्थक और नेता कहते कि मोदी है तो मुमकिन है। आगे चलकर यह नारा काफी पॉपुलर हो गया और उरी और पुलवामा के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया तो देश में यही नारा गूंजा। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार कर रही है। अमेरिकी खुफिया तंत्र ने अपने सांसदों को रिपोर्ट दी है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से भारत को उकसाने वाली हरकत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उसे छोड़ेगा नहीं। पहले से कहीं ज़्यादा सैन्य बल के साथ पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है और ये रिपोर्ट सालाना खतरे के आकलन का हिस्सा है। अमेरिकी संसद में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई गई है और साथ ही अमेरिकी सांसदों से कहा गया है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच संघर्ष हो सकता है। दोस्तों रुख करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की विस्तारवादी सोच को लगा झटका, INS विक्रांत से PM मोदी ने दिया बड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, समुद्र में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है जो केवल चुनिंदा देशों के पास है। अभी तक अमेरिका, फ्रांस, UK, रूस और चीन के पास ये तकनीक थी। INS विक्रांत के आने से समुद्री ताकत में भारत की तूती बोलने लगी है और इस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी इस देश के दौरे पर हैं और उन्हें INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। ये पहली बार है जब किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को INS विक्रांत पर सम्मान दिया गया है। ये मौका बेहद खास था और ये चीन के लिए एक संदेश है कि भारत की सामरिक ताकत में इजाफा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई PM भारत की नौसेना ताकत को नज़दीक से देखा और ये चीन को संदेश है कि क्वाड देशों में रिश्ते सामरिक तौर पर कितने मजबूत हैं और इस समय ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, वो UK की मदद से हेलीकॉप्टर कैरियर का उपयोग कर रहा है। अगर भविष्य में ऑस्ट्रेलिया किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नौसेना में शामिल करने की योजना बनाता है तो स्वदेशी INS विक्रांत का नाम सबसे आगे होगा।